इंडियन प्रीमियर लीग में इस सीजन दो नई टीमें शामिल हुई है। लखनऊ और अहमदाबाद दोनों टीमें आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हैं। लखनऊ के टीम मेंटर गौतम गंभीर ने लखनऊ की आईपीएल में ऑक्शन को लेकर बन रही रणनीति के बारे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात रखी। मेगा ऑक्शन से पहले दोनों नई टीमों को 3 खिलाड़ियों को अपने ड्राफ्ट में चुनना था। लखनऊ ने केएल राहुल, मार्कस टोनिस और रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल किया है। इन नामों को साथ जोड़ने के बाद लखनऊ की नजर कई बड़े नामों पर भी है। गौतम गंभीर ने कहा, हमारे पास एक विरासत तैयार करने का शानदार मौका है। ऐसे में हम किसी भी टीम की नकल की बजाय हम अपनी एक नई लेगेसी बनाना चाहेंगे। लखनऊ इस मेगा ऑक्शन में कई नामों को अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर रहा है। इस मेगा ऑक्शन में डेविड वार्नर, कगिसो रबाडा, सुरेश रैना, डेविन ब्राव, श्रेयस अय्यर जैसे कई खिलाड़ी होंगे और इन खिलाड़ियों पर हर टीम बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर ने कहा, पिछली बार संजीव गोयनका सर ने पुणे की टीम खरीदी थी, वह आईपीएल जीतने से महज एक रन दूर रह गई थी। अब हमारे पास उस अधूरे काम को पूरा करने का मौका है। गंभीर ने रवि बिश्नोई के लखनऊ टीम में जुड़ने पर कहा, रवि बिश्नोई का सिलेक्शन टीम के काफी बेहतरीन है। वह युवा है, विकेट झटकने में माहिर है और वह खेल के हर मौके पर गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं। वह आपके अंतिम 11 में एक पक्के खिलाड़ी के रूप में ही होने चाहिए। लखनऊ ने केएल राहुल को अपना कप्तान नियुक्त किया है। हाल ही में लखनऊ ने अपने नाम का भी ऐलान किया है। फैंस से सुझाव मांगने के बाद गोयनका ग्रुप ने टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा है।